देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो पहले एक पार्ट बना चुकी हूँ मैं इसका, मेरे पास काफ़ी बहुत सारे प्लांट हैं, इसीलिए एक वीडियो में तो मैं नहीं बना सकती थी, वो काफ़ी लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने दो पार्ट में ये वीडियो बनाया। तो मैंने जो फर्स्ट पार्ट में बनाया था उसमें सभी छोटे प्लांट्स और बड़े भी दिखाए, लेकिन आज मैं थोड़े से और उससे बड़े प्लांट्स हैं मेरे पास, और प्लांट कौन से शॉप में आए हुए हैं और कौन से जो है डोरमेंसी में चले जाते हैं, ये सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये मेरा मोगरा का प्लांट है, जैसे कि आप जान रही हो मैं मेरठ में रहती हूँ, तो ये जो है यहाँ पर काफ़ी ठंड हो रही है और कल से तो काफ़ी बहुत तेज़ हवा भी चल रही है। आप देख सकते हो ये मेरा जैस्मिन का प्लांट है और ये डोरमेंसी में आया हुआ है, और ये गर्मी में बहुत अच्छा सर्वाइव करता है, ठंड में अभी नहीं करेगा। तो इसके पीछे आप देख सकते हो ड्रेसिना का प्लांट है, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था, आप देख सकते हो इसमें शूटिंग स्टार्ट हो गई है। और इसके बाद मेरा ये डबल पेटल वाला चांदनी का प्लांट है, मैंने इसका वीडियो पहले भी शेयर किया था, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। मैंने जब इसको रिपोर्ट किया तो थोड़ा ये शॉक में आ गया, इसीलिए इसकी जो पत्तियाँ हैं वो थोड़ा गिर रही हैं, लेकिन ये मेंटेन हो जाएगा। इसके बाद देखिए चिली हिबिस्कस है, बहुत अच्छा प्लांट है, ये सर्दियों में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है और छोटे से पॉट में सर्वाइव भी करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं बिना केमिकल यूज़ किए अपनी गार्डनिंग करती हूँ फ्रेंड्स। मैं बाहर से कुछ भी परचेज़ नहीं करती हूँ, जो भी मेरी किचन में जो भी मेरे घर में अवेलेबल होता है मैं वही करती हूँ। मैं अपने प्लांट्स में जो है फंगीसाइड की जगह हल्दी यूज़ करती हूँ, और जो कीड़े वगैरह मारने के लिए जो है मैं नींबू का जो है एंजाइम बनाती हूँ वो स्प्रे करती हूँ। आप देख सकते हो मेरा रोज़ का प्लांट बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, आप देख रहे हो कितनी मोटी मोटी बड़ आई हुई है। फिर इसके बाद देखिए ये काफ़ी अच्छा ग्रीनरी प्लांट है, ये अमरलेस लिली है, इसकी पत्तियाँ जो है काफ़ी लंबी हो जाती हैं फ्रेंड्स, आप देख रहे हो, और ये जो है लटक भी जाती हैं। और फिर हम बात करेंगे सॉन्ग ऑफ इंडिया की, ये ड्रेसिना की ही वैरायटी है, बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है, इसकी जो लीव्स हैं काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं, और ये घर में जो है काफ़ी लंबे समय तक रहता है, आपको बार बार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता। इसके बाद आप ये जानते हो ये है नागफनी का प्लांट, और मैंने ये छोटा सा लगाया था, आप देख सकते हो इसमें कितने सारे प्लांट्स हो गए हैं, हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफाई प्लांट है। इसके बाद आते हैं हम, मेरा तुलसी का प्लांट है, ये भी डोरमेंसी में चला जाता है, अभी तो थोड़ा इसमें पत्तियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन जैसे जैसे अभी ज़्यादा सर्दियाँ होंगी तो इसकी पत्तियाँ जो है गिरनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद है मेरा सफलेरा का प्लांट, बहुत ही अच्छा है, देखिए मैंने इसका वीडियो जो है आपके साथ सेपरेट भी शेयर किया था, बनाया था, और ये सर्दियों में देखिए कितना अच्छा सर्वाइव कर रहा है, इसमें जो है देखिए आप ये नई नई पत्तियाँ जो हैं अभी भी निकल रही हैं। फिर है मोरपंखी का प्लांट भी बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहा है फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हो सर्दियों में जो है प्लांट इतना अच्छा सर्वाइव नहीं करता, और मेरे जो बड़े बड़े पॉट में लगे हुए प्लांट्स हैं ये सभी ज़्यादातर बाहर रखे हुए हैं, यहाँ काफ़ी तेज़ हवा भी चलती है और जो है कम धूप आती है यहाँ सर्दियों में, और गर्मियों में काफ़ी अच्छी खासी धूप आ जाती है। ये रियोया बॉट लिली है, आप इसको बाउंड्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे छोटा सा गार्डन है आप चारों तरफ उसमें जो है बाउंड्री के उसमें इसको आप काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक से ढेरों प्लांट बना सकते हैं। फिर है हमारा एक्वापाइन प्लांट, बहुत छोटा सा प्लांट लिया था मैंने ये नर्सरी से, मुझे करीब ये 100 रुपीज़ का पड़ा था और छोटा ही था, आप देखिए मेरे पास जो है कितना अच्छा हेल्दी प्लांट हो गया है, कम केयर प्लांट है, ये कम केयर वाला ही प्लांट है, मैं इसकी कम ही केयर करती हूँ, खाद भी ज़्यादा नहीं देती हूँ मैं इसको। इसके बाद ये पुदीना है, सर्दियों में ये भी डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी ग्रोथ होती रहती है लेकिन काफ़ी स्लो होती है। इसी के साथ इसमें मरवे का भी एक छोटा सा प्लांट हो रहा है, और छोटी सी कटिंग जो मैंने उसकी वो लगाई थी ना स्पाइडर प्लांट की, आप देख सकते हो वो भी काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर रही है। अजवाइन का प्लांट भी हमारा बहुत अच्छा है, ये भी सर्दी की वजह से थोड़ा इस तरीके से हो गया, मैंने इसको बोनसाई बनाया, अभी जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी ना फ्रेंड्स फरवरी में, तो मैं इसको फिर छोटा छोटा प्रून कर दूंगी और इसको बहुत ही सुंदर से बोनसाई लुकिंग कर दूंगी। इसके बाद है मेरा ये दूसरी ये तुलसी है मेरी, वो पहले जो मैंने आपको दिखाई थी वो श्यामा तुलसी है, और ये मेरी रामा तुलसी है,
इसके बाद आते हैं हम, देखिए इसमें बहुत सारी ब्लूमिंग हो रही थी फ्रेंड्स अभी, जब मैंने आपका देख, आपने मेरी इससे पहले वीडियो देखी होगी उसमें मैंने थंबनेल किया था, यहाँ से मैंने सभी फ्लावरिंग को जो है पिंच कर दिया है देखिए यहाँ से, क्योंकि इसके ये फ्लावर जो थे डेड हो गए थे इसलिए मैंने इन सबको हटा दिया। देखिए इस तरीके से अगर आपका भी हो जाता है तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से हटा दीजिए ताकि इसमें और नई बर्ड निकले और आप फ्लावरिंग ज़्यादा करें। एलोवेरा को भी आप देख सकते हो कितना अच्छा सर्वाइव कर रहा है इस टाइम, जैसे कि सर्दियाँ काफ़ी हो रही हैं और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके बाद बैक में आप देखेंगे ये मेरा जो है विंटर कल प्लांट है, काफ़ी अच्छा प्लांट है ये सर्दियों का ही प्लांट है, अभी इसमें जो है बर्ड भी नहीं आई हुई है, मैंने ये कटिंग से ग्रो किया था। अभी देखिए वैसे शूट्स तो काफ़ी निकली हुई हैं इसमें, अभी बर्ड भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर छोटे से पॉट में देख सकते हो ये मेरा क्लांचो का है, और थोड़ा सा आप नज़दीक से जाके देखेंगे तो आप देख रहे हो इसमें बर्ड भी आनी स्टार्ट हो गई है। और फ्रेंड्स बहुत छोटी सी कटिंग है, ये क्लांचो की कटिंग है, अभी मुझे इसका कलर नहीं पता है, जब इसमें अभी फ्लावर होगा तो मैं आपको आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, आप देख रहे हो सर्दियों में इसमें कम फ्लावरिंग होती है क्योंकि ये नॉर्मल वाला हिबिस्कस है, हाइब्रिड वाला तो सर्दियों में करता है लेकिन अभी ये नहीं करेगा। फ्लावर तो इसमें आते रहते हैं लेकिन काफ़ी छोटे आते हैं, तो आप इसको डेड फ्लावर को आप इस तरीके से हटा दीजिए। मैं इसको अभी प्रून करने वाली हूँ फ्रेंड्स, मैं इसको प्रून कर दूँगी, अभी मैंने बताया जैसे आपको मैं इसको जो है प्रून कर दूँगी और जो है इसमें नई नई ब्रांचें निकल आएंगी। इसके बाद आप ये मेरा प्लांट देख सकते हो, ये करी पत्ते का प्लांट है फ्रेंड्स, आप इसकी कटिंग अभी ग्रो कर सकते हैं, करी पत्ते की कटिंग अभी बहुत आसानी से ग्रो हो सकती है अगर आप इसकी कटिंग ग्रो करना चाहें। आप देख रहे हो ये मैरीगोल्ड की दो तरह के मैंने इसमें देखी कटिंग ही लगाई थी और ये दोनों कटिंग कितनी अच्छे से चल गई हैं, और इसमें देखिए फ्लावर भी कितने करीबन इसमें 1.5 से 2 महीने हो गए कंटिन्यू फ्लावर आ रहे हुए हैं देखिए। और मैं यहाँ से इनको जो है पिंच कर देती हूँ। इसके पीछे आप देख रहे हो वो मॉर्वे का प्लांट है मेरा, सर्दियों में ये भी कम सर्वाइव करता है, गर्मियों में बहुत अच्छे सर्वाइव करता है ये। इसके बाद देखिए ये भी इसमें जो है मजेंटा कलर का फूल आता है, अभी तो इसमें कुछ भी नहीं आया, ये भी सर्दी की वजह से देखिए इसकी कंडीशन काफ़ी ठीक नहीं है, पर मैं इसको ठीक कर लूँगी। देखिए आप इसमें छोटे छोटे से जो है ये बेबी प्लांट निकले हुए हैं। इसके बाद मेरा ये देखिए हार सिंगार का प्लांट है, इसमें आप देखिए रात में फूल खिलते हैं, इसमें दिन में फूल नहीं खिलते, इसकी बस यही खासियत है। और जो इसमें फूल जो होते हैं वो तो वाइट कलर का होता है, लेकिन जो इसके नीचे का हिस्सा जो होता है, जो नीचे जो इसकी वो डंडी होती है ना छोटी सी, वो जो होती है इसकी वो ऑरेंज कलर की होती है, देखने में बहुत ही सुंदर होता है। देखिए मैंने इसके आपके साथ पहले भी वीडियो शेयर किया था, ये है चाइना पाम, इसकी पत्तियाँ देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से होती हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था मैंने ये छोटा सा प्लांट लगाया था, आप देखिए ये मेरा काफ़ी कितना अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, ये देखिए कितना सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफाई प्लांट है, आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए फ्रेंड। मैंने दो तरह के लगाए हुए हैं इसमें, देखिए ये पार्लर पाम है, आप इसके साथ में देख सकते हो ये थी, ये पार्लर पाम है, दोनों मैंने इस तरीके के एक साथ लगाए हुए हैं। देखिए मेरा ये भी जो है मेरा पाम का प्लांट है और काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आए देखिए आप पाम का प्लांट है और आप इसकी हाइट देख ही सकते हो कितना बड़ा प्लांट है ये, और ये भी बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट है। मैंने तीन प्लांट लगाए हुए हैं फ्रेंड्स, एक चाइना पाम है, पार्लर पाम है और ये बैम्बू पाम है। इसके बाद आते हैं हमारे मेरे पास ये चांदनी का प्लांट है, ये सिंगल पेटल वाला प्लांट है, मैंने इसकी हार्ट प्रूनिंग कर दी थी, आप देख सकते हो अब ये बहुत अच्छा बोनसाई लुक दे रहा है और बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहा है। देखिए ये मेरा डिफनवेलिया का प्लांट है और आप फ्रेंड देख सकते हो मैंने इंडोर रखा हुआ और कितना ब्यूटीफुल प्लांट है, आप इसकी हेल्थ और हाइट दोनों देख सकते हो, बहुत ही हाउस प्लांट है और बहुत ही गुड प्लांट है। इसी के साथ में आप देख सकते हो मेरा स्नो एग्लोनिमा लगा हुआ है, मैंने इसका छोटा जो प्लांट है वो एक छोटे पॉट में लगाया हुआ है, मैंने इसी में से उसको सेपरेट किया था और मेरे जो है इसी से दो प्लांट बन गए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो मुझे इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और लाइक
और वीडियो वाकई में अगर आपको अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।